लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खालिद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेट 20 प्रो, जो हुआवे की तरफ से लेटेस्ट और सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं और पाकिस्तान और इंडिया में उसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं मुकम्मल डिटेल। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल डिटेल जानने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो लाइक एक बार कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे मेरी काफी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के वाले से। दोस्तों इसके अंदर आपको कहीं भी आपको जो है स्पीकर ग्रिल देखने को नहीं मिलती है लाउड स्पीकर की, क्योंकि जो लाउड स्पीकर है वो टाइप सी पोर्ट के अंदर ही फिट किया गया है, जो आपको एक एक्स्ट्रा सुराख होने से आपके मोबाइल के अंदर से बचाता है और ये मोबाइल को ज़्यादा वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। तो एक स्पेशल फीचर इसका ये है कि ये वायरलेस चार्जर तो कंपेटेबल है, लेकिन ये खुद ब खुद ही एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा रखते हैं और कोई भी फ़ोन जो आपको वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, आप उस फ़ोन को इसके ऊपर रख के आप आसानी के साथ चार्ज कर सकते हैं, ये एक वायरलेस चार्जर का भी काम आपको देगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन गया है, जिसके अंदर आपको जो AI के फीचर्स हैं बहुत मिलते हैं। AI का ऐसा मूड है जो आपको मिलता है अगर आप AI को ऑन कर लेते हैं, AI खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगी आप कहाँ बैठे हैं, आप कौन सी जगह तस्वीर ले रहे हैं, आप जो है कौन सी जगह की तस्वीर किस कलर में ज़्यादा अच्छी लगेगी, AI खुद ब खुद अपने मोड सेलेक्ट करेगी और खुद ब खुद आपकी पिक्चर्स को बहुत ही कलरफुल कर देगी। और यहाँ दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और यहाँ दोस्तों आपको 960 फ्रेम पर सेकंड का स्लो मो का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बहुत ही स्लो मोशन एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो 1080p तक सपोर्ट करेगा। और यहाँ दोस्तों आपको 4K का सपोर्ट भी दिया गया है 30 फ्रेम पर सेकंड पर। और दोस्तों ये जो फोन है IP68 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। यहाँ दोस्तों एक ड्रॉबैक ये है आपके लिए, अगर आप इसको ड्रॉबैक मानते हैं कि आपको इसके अंदर 3.5mm का जैक नहीं दिया गया है, उसकी जगह आपको टाइप सी कन्वर्टर मिलेगा, जिसे आप 3.5mm जैक कनेक्ट करके आसानी के साथ अपना 3.5mm जैक का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। सो अब बात करते हैं क्विक स्पेक्स के बारे में, उसके बाद में हम इसके कैमरा और प्राइस के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे। दोस्तों ये फोन आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ मिलता है, जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड की तरफ से। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मैंने आपको बताया इन डिस्प्ले मिलता है, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की आपको टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिलती है। तो यहाँ मैं आप डिज़ाइन के हवाले थोड़ा सा बताता चलूँ, आपको फ्रंट बैक आपको ग्लास मिलता है, लेकिन जो इसके अंदर ग्लास का यूज़ किया गया है हुआवे की तरफ से ये नहीं बताया गया कौन सा गोरिल्ला ग्लास है। जितने भी फोन आए थे 2018 में बैक की तरफ आपको ग्लास मिलता था, उसके अंदर स्क्रैचेस आपको बहुत देखने को मिलते थे, इस वजह से कोई ना कोई आपको पेपर लगाना पड़ता था, लेकिन जो मेट 20 प्रो है इसके अंदर आपको स्क्रैचेस वाला मसला बहुत कम देखने को मिलेगा। तो हुआवे का प्रोसेसर किरण 980 का इसके अंदर यूज किया गया है, जो 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और इसके अंदर मालिक G76 MP10 के GPU को इस्तेमाल किया गया है। तो पाकिस्तान में जो इसका वेरियंट आने वाला है वो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। तो जो इसका डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का एमोलेड पैनल है, जो कि HDR10 को भी सपोर्ट करता है। पिक्सल रेशियो की बात करें तो आपको मिलता है 1440x3120 और ये डिस्प्ले 538 के PPI के साथ आता है। यहाँ गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपको नहीं बताया गया कौन सा गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आपको काफी हद तक स्क्रैचेस से महफूज रखेगा। यहाँ ट्रिपल कैमरा सेंसर का इस्तेमाल किया गया, पहला सेंसर है 40 मेगापिक्सल का जो आता है f1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा कैमरा है 20 मेगापिक्सल का जो आता है f1.6 के अपर्चर के साथ, तीसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का जो एक फोटो लेंस है जो आता है f2.4 के अपर्चर के साथ। तीनों ही कैमरा में दोस्तों आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ दोस्तों आपको जो है लेजर ऑटो फोकस का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश दिया गया है, जो आपको लो लाइट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। बात कर लेते हैं बैटरी के हवाले से, बैटरी इसकी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ 4200mAh की आपको बैटरी मिलती है, लेकिन आपको साथ एक फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है, जो 40W का फास्ट चार्जर है, जो दोस्तों आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देगा 70% तक सिर्फ आधे घंटे में। इसके साथ
साथ दोस्तों आपको वायरलेस क्विक चार्ज का सपोर्ट भी दिया गया है जो 15 वाट को सपोर्ट करेगा। दोस्तों जो पाकिस्तानी प्राइस है इसकी वो 1,30,000 तक आने वाली है और जो इंडियन प्राइस है वो आने वाली है 65,000 से लेकर 70,000 तक। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये फोन ऐसा कमाल का होने वाला है कि सब फ्लैगशिप को एक किल करने वाला है 2018 के अंदर। दोस्तों जितनी भी फ्लैगशिप आपको देखने को मिलते थे 2018 के अंदर उसके ऐसे यूनिक फीचर्स नहीं प्रोवाइड किए गए थे जो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे अच्छा मुझे फीचर लगा HDR10 का सपोर्ट जो आपकी वीडियो क्वालिटी में काफ़ी मदद देगा। और यहाँ दोस्तों जो आपको कैमरा का ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर वाइड शॉट्स 5x तक जूम कर सकते हैं, ऑप्टिकल जूम। दोस्तों आपको यहाँ वाइड लेंथ का ऑप्शन मिलता है जिससे आप वाइड शॉट्स भी कैप्चर कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों ये एक मुकम्मल पैकेज है हर किस्म के फीचर के साथ, हर किस्म के सेंसर के साथ। और अब देखे जाए तो अपनी प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट फोन है फ्लैगशिप रेंज में। और दोस्तों ये फोन है ये बहुत ही बेस्ट है, अगर आप बाय करने जा रहे थे आप जरूर बाय करना चाहिए आपको, क्योंकि ये फोन जो है अपनी रेंज के अंदर बहुत ही बेस्ट फीचर्स और यूनिक फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने आज की वीडियो में आपको बताना था कुछ प्राइस और स्पेक्स और बताना था कि मेरा ओपिनियन क्या है मेट 20 प्रो के हवाले से। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊंगा नई वीडियो के साथ। इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊंगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।